कश्मीर तेरा हुस्न हुआ दर्द की तस्वीर, आंसू हैं तेरी आंख में पैरों में जंजीर। वो कहते हैं आजादी को एक ख्वाब ही समझो, हम कहते हैं हर ख्वाब की एक होती है ताबीर। कश्मीर कश्मीर मेरे कश्मीर। जी नाज़रीन, हम लोग कभी पीर चनासी पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हम लोग सजाद सनेरिया से हम लोग इंटरव्यू लेंगे कि पीर चनासी कैसी जगह है और यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो किस तरह से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मीर मोहम्मद सजाद सनेरिया है। इस वक्त हम पीर चनासी के मुकाम पे हैं। पीर चनासी मुजफ्फराबाद सिटी से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पे है और यहाँ की जो सड़क है वो अच्छी सड़क बनी हुई है। टूरिस्ट यहाँ पे सीज़न में जून जुलाई के उसके अलावा भी बहुत आते हैं। यहाँ पे तकरीबन हर किस्म की सहूलत मौजूद है। जिस वक्त सिटी से लोग आते हैं तो वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, तकरीबन 45 मिनट का फासला है, लेकिन जिस वक्त टूरिस्ट यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे पहुँचते उनको ठंड लगती है। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, आपने देखा होगा ये पीछे पहाड़ों पे इस वक्त भी मई का महीना तकरीबन शुरू होने वाला, अभी भी बर्फ़ है, पीर चनासी में भी बर्फ़ है और मौसम में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ की आबोहवा बहुत अच्छी है, यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और बहुत खुश होते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर लोग सिटी के लोग आते हैं क्योंकि सिटी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जिस वक्त यहाँ पे अच्छा, ये टूरिस्ट कौन कौन से सिटी से आते हैं? ये नीचे से मुजफ्फराबाद सिटी से आते हैं, उसके अलावा पूरे पाकिस्तान से, तक लाहौर, कराची, पेशावर से, कोयटा से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। जिस वक्त यहाँ पे वो पहुँचते हैं तो वो कहते हैं ये वाकई कश्मीर जन्नत नज़ीर है। कहाँ से आप आए? हम इस्लामाबाद से। तो कैसा लगा आपको ये पीर चनासी यहाँ पे इस पुरफ़ज़ा मुकाम में आके, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस्लामाबाद में और यहाँ के एनवायरनमेंट में, आप किस तरह का? इस्लामाबाद ही बनस्बत ये वाली एनवायरनमेंट बहुत फ्रेश है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। यहाँ की प्लेस जो है, ग्रीनरी वगैरह, बकाया हम अपने साथ कैमरा वगैरह लेके आए शूट के लिए, स्पेशल पीर चनासी के लिए, ताकि हम शूट वगैरह कर सकें। तो बकाया अच्छा फील हो रहा है, यहाँ का पोल्यूशन फ्री माहौल है और फ्रेश फ्रेश। तो इस इलाके के लोग और इन लोगों की आपको कैसे लगे ये इन्वायरमेंट और ये लोग आपको कैसे लगे? लोग बनस्बत मरी वगैरह के, इधर के लोग जो है ना बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव लोग हैं, अच्छे लोग हैं।